हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दरअसल इसके दो पार्ट आएंगे तो दूसरा देखना भूलना मत। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड लियांग शिया से। दरअसल वो आज काफ़ी जल्दी उठकर तैयार होती है। दरअसल उसका फियांसी उसे 10 साल बाद आज प्रपोज करने वाला था। यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है और काफ़ी एक्साइटेड थी जब हमारे मेन लीड माओ टेबल पे आकर बैठता है और ब्रेकफास्ट करता है। यहाँ पर शिया को लगता है शायद वो प्रपोज करेगा उसे। इसके बाद उसकी कोट से एक डायमंड निकालती है और कहती है कि ये क्या है, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो ना। यहाँ पर माओ कहता है कि हम सॉरी, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है मेरा। दरअसल मैं अपनी बॉस की वाइफ को देने वाला हूँ ताकि मैं बॉस को ज़्यादा परस्यू कर पाऊँ और वो हमारी काम में ज़्यादा हेल्प कर पाए। तभी यहाँ पर ये सब सुनकर लियांग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बट माओ ये सब नोटिस नहीं करता। इसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर काफ़ी सारे स्नैक्स खाना स्टार्ट करती है। करें तो जब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है किसी बात से तो जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट करती है। तब उसे अपने फिगर का एंड अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। वो अभी तक अपनी डाइट पर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती आई है बिकॉज उसे लगता है कि अगर वो सुंदर बनी रहेगी तो माँ उसे बहुत पसंद करेगा हमेशा की तरह, जैसे कि उसने 10 सालों से किया। पर 10 सालों से उनका रिलेशनशिप इतना रोमांटिक नहीं था जितना कि उसने कभी इमेजिन किया था। टीवी पर एक चॉकलेट ऐड के बारे में सुनती है। यहाँ पर वो बताते हैं कि अगर आप इस चॉकलेट को यूज़ करेंगी तो आप हमेशा यंग बनी रहेंगी, हमेशा हमेशा के लिए। चॉकलेट को ऑर्डर कर देती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बायशा की आज शादी होती है तो आज वहीं पर जा रही होती है। तभी उस कंपनी का मैनेजर जिससे उसने चॉकलेट ऑर्डर की थी उसे खुद तो चॉकलेट डिलीवर करके जाता है। कहती है कि आपको आने की ज़रूरत क्या थी और इतनी जल्दी डिलीवरी। तभी उसके बॉस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। पलक झपकते ही वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तभी वो उस चॉकलेट को अपने पास रख लेती है। इसके बाद अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर डिसाइड करती है कि माओ ने उसे अभी तक प्रपोज नहीं किया तो दरअसल वो उसे फोर्सफुली सबके सामने पब्लिकली अगर बोलेंगे तो उसे प्रपोज करेगा ही। जब उसकी फ्रेंड की शादी हो जाती है तो काफ़ी इतना इमोशनल हो जाती है बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी अब शादी करने वाली थी। यहाँ पर सभी काफ़ी खुश थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बादशाओ लियांग को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका जो फियांसी है वो 10 सालों से साथ रह रहे हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लव स्टोरी है उनकी और आज माओ सबके सामने उसे प्रपोज करने वाला है। यहाँ पर दरअसल ये सब ज़बरदस्ती का काम हो रहा था। इसके बाद लियांग माओ को इनवाइट करती है और उसे सबके सामने प्रपोज करती है कि वो उसे 10 सालों से और हमेशा से पसंद करती है। यहाँ पर उनका जो प्लान है वो बैकफायर कर जाता है। माओ उससे कहता है कि अभी ये दिन दरअसल बादशाह का है, इसे अपना नहीं बनाना चाहिए। तभी उसे उसका बॉस का फोन आ जाता है और वो उस भरी सभा को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद लियांग अकेली पड़ जाती है। माओ का पीछा करती है और माओ काफ़ी दूर निकल गया था। माओ उसे कॉल करता है और सीधा ब्रेकअप का बोल देता है। इसके बाद लियांग को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है बिकॉज उसने माओ के लिए अपने सपनों तक को छोड़ दिया। उसे 10 सालों में कुछ भी याद नहीं रहा सिवाय माओ के। उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और पता नहीं उसने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। तभी उसे अचानक से गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। इतने में वो पास में रखी चॉकलेट खा लेती है। इसी के साथ ही मिरेकल होता है। शिया अपनी कार सामने वाले को ठोक देती है। तभी वो अंकल उसे कह रहे थे कि बाहर निकलो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अंदर आराम से बैठी हो। तभी यहाँ पर लियांग का दिमाग घूमता है और इसके बाद 28 ईयर ओल्ड लियांग का दिमाग सीधा 17 ईयर ओल्ड बन जाता है। मतलब वो अपने 17 वाले टाइम में आ गई थी। यहाँ पर वो बाहर निकलती है और उनसे सॉरी बोलती है। तभी वो कहते हैं कि मैं पुलिस को कॉल करूँगा। इतने में ही लियांग वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अपनी फ्रेंड बादशाह से मिलती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हारी तो 4 आंखें थी। तभी वो बादशाह कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, मैं सालों से ऐसी हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तो हमारे कॉलेज ही स्टार्ट हुए हैं और तुम्हारे तो ग्लासेस लगे हुए थे। तो वो कहती है कि नहीं। इसके बाद उसकी फ्रेंड उस पर यकीन करती है कि दरअसल उसका दिमाग 17 ईयर ओल्ड हो गया है और कहती है कि तुमने 17 वापस आ गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अपनी ज़िंदगी फिर से जीने का मौका मिला है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि देखो ये फोटो तुम्हें, जो आदमी तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा फियांसी है, तुम 10 साल से इसे पसंद करती हो, मैं इसे दोबारा पाना है। तभी यहाँ पर यहाँ कहती है कि शक्ल देखी है, कितना ओल्ड लग रहा है, मैं इसे कैसे पसंद कर सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है और इतने पागल इंसान के लिए मैं ख़त्म थोड़ी करूँगी। इसके बाद वो काफ़ी बन ठन कर आराम से तैयार होकर जाने लगती है। एक बार माओ उससे बात करता है। तभी लियांग उससे कहती है कि तुम समझते क्या हो मुझे, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। माओ कहता है कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, ये अचानक से इसे क्या हुआ। तभी यहाँ पर
यहाँ कहती है कि सुनो तुम मेरे घर में रह रहे हो तो कुछ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। मेरी फ्रेंड से कहती है कि हम वहाँ चलेंगे जहाँ मुझे जाना था। लियांग अभी तक कभी भी क्लब में नहीं गई थी बिकॉज माँ की वजह से और शायद अपनी कंप्लीट मैरिड लाइफ की ऑब्सेशन की वजह से। यहाँ पर वो आज काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है, उसको किसी भी बात की फिक्र नहीं थी बिकॉज अब वो 17 ईयर ओल्ड थी मेंटली और फिजिकली तो यंग थी। यहाँ पर वो सभी के साथ काफ़ी इंजॉय करती है, अपने पास रखा सारा सामान ऐसे ही लुटा देती है। यहाँ पर वो माओ का काफ़ी कीमती आईपैड भी ऐसे ही गिफ्ट कर देती है और कहती है कि लो लो मेरी पार्टी है और इसे लेकर बेच दो, खा लो तोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम दोस्त हैं तो सब चलता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसका दिमाग वापस 20 ईयर ओल्ड हो जाता है। वो वायशा को देखती है जो कि काफ़ी ड्रंक थी। लियांग कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों पी लेती हो, तो ये वायशा कहती है कि अच्छा ओल्ड लियांग वापस आ गई। तभी कहती है कि अभी हुआ क्या था, तभी उसकी एक वीडियो दिखाती है और कहती कि मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था जब तुम माओ के साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी जैसे कि तुम्हें हमेशा से करना चाहिए था। तभी लियांग कहती कि मैंने माओ से इतनी बदतमीजी से बात की, तो ये कहती है कि हाँ तुम्हारा दिमाग 17 ईयर ओल्ड एज में चला गया था और तब ना तुम बहुत कूल लग रही थी, अब प्लीज़ वापस वहीं पर चली जाओ ना, तुम तब बहुत अच्छे से मज़े कर रही थी, मुझे वही पसंद था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टाइम ट्रेवल होता कैसे है दिमाग का। इसके बाद सोचते हैं कि क्या पता उस एक्सीडेंट की वजह से हो। आफ्टर दैट वो एक टैक्सी वाले को काफ़ी सारे पैसे देकर काफ़ी टाइम तक गोल 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 घूमते हैं। मैं टैक्सी वाले को काफ़ी सारे पैसे देकर कहती है कि चलो सामने वाले को टक्कर मार दो, शायद इस बात से हमारा टाइम ट्रेवल हो जाए। तभी यहाँ पर वो टैक्सी वाला मानता नहीं है लेकिन काफ़ी पैसे देखकर मान ही जाता है। इतने में ही पुलिस बीच में आ जाती है बिकॉज पिछली बार जो लियांग ने एक्सीडेंट किया था उसकी भरपाई तो अभी तक हुई नहीं थी। यहाँ पर पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं। तभी इतने में ही माँ उन दोनों को लेने के लिए पहुँच जाता है। यहाँ पर लियांग उसे देखकर काफ़ी अपसेट थी और सोच रही थी कि उसने आखिर क्या कर दिया, उसका दिमाग सही भी है या नहीं। वह माँ को कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेली हूँ। और इसके कुछ सेकंड पहले ही उसने वो गुस्से में आकर वो चॉकलेट खा ली थी दोबारा। आप दर्द से पकड़े पकड़े उसका टाइम ट्रेवल हो जाता है। इसके बाद वो माँ को धक्का देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे टच करने की। तो माँ कहता है कि क्या हुआ इसे। माओ को अपना आईपैड वापस चाहिए था बिकॉज वो माओ का ही था जिसमें काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी और उसे आज अपने बॉस को उसे प्रेजेंट करना था। बट लियांग तो उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसे ट्रैक करते करते एक इंसान के पास पहुंचता है जहां पर वो मीट काट रहा होता है। यहाँ पर पैसे ऑफर करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे ये पैसे के बदले में दे दो, तो ये मेरा ही है। तभी यहाँ पर वो कहता है 5,000 युआन मुझे देने होंगे। तभी उसके पास सिर्फ 1,000 थे। इसके बाद आईपैड को तोड़कर उसे दे देता है और कहता है कि इतने में इतना ही मिलेगा। यहाँ पर माँ उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लियांग को हम ट्रेन में देखते हैं। यहाँ पर उसका गेटअप एकदम चेंज हो चुका था और वो सच में 17 ईयर ओल्ड ही लग रही थी। यहाँ पर वो एक बंदे को देखती है यान जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है उसे। ये हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड है और हमारे पहला प्यार। उसे पहली नज़र में यान काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसका तो यान की ड्राइंग बनाना स्टार्ट करती है। दरअसल हम बात करें तो काफ़ी अच्छी पेंटर बनना चाहती थी बट शुरू हो सकता है माओ की वजह से उसने कभी सपना पूरा कर ही नहीं पाया। वो दरअसल फ्रांस जाकर आगे पढ़ाई करना चाहती थी बट शायद परफेक्ट मेरिड लाइफ ऑब्सेशन की वजह से वो इसी में फंस कर रह गई और उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया और आज वो अपने लिए कोई भी काम नहीं करती। तभी वो यहाँ पर यान की ड्राइंग बनाना स्टार्ट करती है। यहाँ पर यान उसे नोटिस करता है कि लड़की मुझे काफ़ी देर से देखी जा रही थी। यान को भी दूर से ही पसंद आ जाती है। यहाँ पर लियांग उसकी ड्राइंग बनाई जा रही थी, उसे देखी जा रही थी। अब इतने में कौन लड़का तुम्हें नोटिस नहीं करेगा। लेकिन 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 जब तक इन दोनों में बातें हो पाती और यान उसके पास आ पाता, इतने में ही लियांग का दिमाग वापस से 20 ईयर ओल्ड गर्ल में बदल जाता है। इसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। यान उसे रुकता है लेकिन उसे धक्का देकर चली जाती है और अपनी ड्राइंग बुक भी वहीं पे छोड़ गई थी। तभी यान जब उस ड्राइंग बुक में देखता है तो उसकी चीटी जागती बहुत ही सुंदर ड्राइंग उसने बनाई हुई थी। तभी यान कहता है कि वाह लड़की तो मुझे पसंद करती है। या और उसकी फ्रेंड ने साथ साथ में लियांग की फ़ोटो भी खींच ली थी। लियांग की फ़ोटो और साथ में उसकी बनाई हुई ड्राइंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। उसका बॉस उसे बात पर डांटता है कि ये तुम्हारा काम है, आईपैड में तो कुछ मुझे कुछ क्रिएटिव दिख नहीं रहा। इसके बाद उसे सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता और कहता है कि देखो इस लड़की को देखो, मुझे यही चाहिए, इसकी ड्राइंग को देखो कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, इसको ला सकते हो तो मुझसे बात करो। जब माँ उस पिक्चर को ध्यान से देखता है और कहता है कि ये तो लियांग है, हो ही नहीं सकता, उसने तो पेंटिंग काफ़ी दिनों से छोड़ दी और उसे तो अब पेंटिंग करना भी नहीं आता। लियांग को कॉल करता है और अपने लिए एक फेवर करने के लिए बोलता है, क्या तुम मेरे लिए ड्राइंग बना सकती हो, उससे मेरा एक बार फेवर कर दो। लियांग तैयार होकर माँ से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसे अभी तक इस बात की
थोड़ी सी आशा है कि माँ उसकी जिंदगी में वापस आ सकता है, क्योंकि ऑफिशियली उनका ब्रेकअप तो नहीं हुआ है, भले ही माँ की तरफ से हो गया, उसके हिसाब से उम्मीद अभी भी लगाई जा सकती है। वो अपनी एक असिस्टेंट के साथ आता है। ये देखकर लियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर माँ उसे ड्राइंग करने के लिए बोलता है, तभी लियांग कहती है कि वो ड्राइंग कर सकती है, पर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसे पता है कि वो ड्राइंग नहीं कर सकती। ये सब लियांग ने काफ़ी सालों पहले छोड़ दिया था। वो बचपन में काफ़ी अच्छी ड्राइंग करती थी, बट बड़े होने के बाद उसकी क्रिएटिविटी जाती गई और उसका दिमाग एकदम अडल्ट सा बन गया। उसने सेल्फ लव कभी जाना ही नहीं। 20 ईयर की एज में माँ के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को एकदम एक बॉक्स में बंद कर लिया, जिसमें उसके लिए सिर्फ माँ ही मैटर करता था और कुछ भी नहीं। क्या उसे टाइम लेकर वॉशरूम में जाती है। यहाँ पर वो वही चॉकलेट खाती है और साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड भी करती है हमारी यंग लियांग के लिए, क्योंकि जब वो आएगी तो यहाँ पर वो काफ़ी उछल कूद मचाएगी। इसके बाद वो एक मैसेज छोड़ती है कि प्लीज़ टेबल पर जाकर एक ड्राइंग बनाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब करो प्लीज़ मेरे लिए। जब वो चॉकलेट खा लेती है और 17 ईयर ओल्ड लियांग बॉडी में आती है, यहाँ पर वो उस मैसेज को इग्नोर कर टेबल पर जाती है। माओ से ड्रॉ करने के लिए होता है। वो लियांग को पता चलता है कि जिस बंदे को उसने ट्रेन में देखा था उसका नाम मियान है, मैं उससे मिलने के लिए अभी जा रही हूँ। इतने में वो माओ को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। माओ कहता है कि काम तो कर जाती और कौन सा लड़का। तभी यहाँ पर उसे यहाँ पर उसके साथ बाइक राइड पर जाती है, उसे एक बिल्डिंग में काफ़ी ऊपर तक ले जाता है। यहाँ पर उसकी आंखें बंद कर टेरिस पर लाता है। यहाँ पर वो उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन दिखाता है। सारी सिटी काफ़ी ब्यूटीफुल चमक रही थी, जो कि उसने आज तक कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पर यान उसे कहता है कि मैं तुम्हें बस ऐसे ही देखना चाहता हूँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। लियांग कहती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। दोनों में जब तक केस होती है, इतने में ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है। ऐसा लग रहा था कहीं ये दोनों यंग बच्चे यहाँ से घूम ना जाएं। इतने में उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लियांग परेशान हो रही थी कि आखिर वो क्या करे, अब वो उसका दिमाग 17 ईयर ओल्ड था। यहाँ पर यान उसे अप्रोच करता है और कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब इतना भी अजीब नहीं है। इसके बाद वो माँ को पुश करता है और उससे किस करता है। यहाँ पर माँ भी इस बात के लिए तैयार थी। इतने में ही उसका दिमाग 20 ईयर ओल्ड लियांग में चला जाता है। इसके बाद वो यान को धक्का देती है और उसे चढ़कर थप्पड़ भी मारती है। यहाँ पर पुलिस कैमरे में ये सब देख रही है और वो लियांग को पहले से जानती थी, बिकॉज वो दूसरी बार पुलिस स्टेशन में आई थी और यहाँ पर माओ भी उसे लेने के लिए आ गया था। यहाँ पर लियांग माओ के पास भागकर जाती है। यान भी दूर से लियांग और माओ को एक साथ देख रहा था और कहता है कि आखिर ये आदमी कौन है। माओ भी उसे यही पूछ रहा था कि यान कौन है। यहाँ पर लियांग तो अब 20 ईयर ओल्ड थी तो सीधा माओ की साइड लेगी, थोड़ी यान की लेगी। उसकी फ्रेंड वायशा उसे बताती है कि अब तुम्हें फिर से ड्राइंग करना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज यही तुम्हारी ज़िंदगी है और यही तुम्हारी ज़िंदगी का सपना भी। इसके बाद ड्राइंग करना स्टार्ट करती है, पर उससे ड्राइंग होती कहाँ है, वो तो उसके 17 ईयर ओल्ड सेल्फ से ही हो पाती है, बिकॉज तब उसे ड्राइंग से प्यार था, बट अब उसका इंटरेस्ट जब जा चुका है तो अब उससे कुछ भी नहीं होता। लियांग और उसकी फ्रेंड दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम चॉकलेट खाओ, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। दरअसल हम यंग लियांग से कहेंगे कि हमारे लिए वो ड्राइंग बनाए ताकि वो तुम माओ को दे सको और उसका दिल जीत सको। तो वो कहती है कि हाँ परफेक्ट, लेकिन अगर उस यंग लियांग ने मना किया तो तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, हम उसे कुछ गिफ्ट देकर थोड़ा परस्यू करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो उसके बाद हम उसे बांध कर और उसे ज़बरदस्ती कुछ करवा लेंगे। तभी यहाँ पर बाइशा कहती कि तुम्हारी यंग सेल बहुत ही ज़्यादा होशियार है, वो नहीं मानेगी। यहाँ पर लियांग कहती कि देखते हैं। इसके बाद जब वो चॉकलेट खाती है तो उसका यंग सेल्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड बाइशा को ही बांध देता है। यहाँ पर वो बाइशा उसे पूछती है कि बताओ आखिर ये सब होता कैसा है, बॉडी में आ कैसे जाती हूँ। तभी वो उसे टॉर्चर भी करती है पंखों से। तभी उसकी फ्रेंड हंसते हुए बता देती है कि उस चॉकलेट का असर 5 घंटों तक रहता है, 5 घंटों के बाद तुम वापस से ओल्ड लियांग बन जाओगी और इसके बाद उस चॉकलेट को तुम्हें दोबारा खाना होगा वापस जाने के लिए। इसके बाद यंग लियांग को पता चल गया था कि आखिर वो वापस कैसे जा सकती है और बाद में रिटर्न कैसे हो सकती है। ठीक है, वो चॉकलेट ढूंढने चली और फिर वो चली यान के पास, उसे यान के पास ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, सो इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।